आज हम बनाएंगे एगलेस केक, यानी कि जिसमें अंडा नहीं है। 1.5 कप मैदा लिया है, 1.5 कप बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून। अगर चॉकलेट पसंद है तो हमने इसके लिए कोको पाउडर का इंतजाम किया, यानी कि हम थोड़ा सा इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे। इट्स ऑप्शनल, आपकी पसंद पर। हम लोग शुगर ऐड करेंगे 3/4 कप, योगर्ट हमने ले ली है 1/2 कप, ऑयल हमने ले लिया है 1/2 कप, और थोड़ा सा वनीला एसेंस और पिंच हम नमक ऐड करेंगे। अब मैदा में हमने ऐड करना है जो हमने मैदा लिया था, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट हमने एक जगह करने हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था सॉल्ट ऐड करना है, अ पिंच सॉल्ट हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बाउल में 3/4 कप हमने शुगर लेनी है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, योगर्ट और ऐड करेंगे सम ड्रॉप ऑफ वनीला एसेंस। अब हम इसे मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे जितना ये फल्फी हो जाए। फल्फी होने तक इसे हम मिक्स करेंगे। ने मैदे का मिक्सचर लिया था, उसके अंदर जो हमने ये फल्फी सा कर लिया है उसको ऐड करते जाएंगे और अच्छे तरीके से फोल्ड कर पैन लिया, उसको ग्रीस कर लिया था पैन को, और उसके अंदर अपना बैटर डाल दिया है। साथ में मैंने कोको पाउडर ऐड किया है जो आपको दिखाया था, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अब हम इसे होम मेड अवन में बेक करेंगे। एक बड़ी पतीली को हमने पहले से प्री हीट कर लिया था, यानी कि पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर हमने ये अपना जो मोल्ड है उसे रख दिया है, अपना बैटर है वो रख दिया है। अब इसे हम कवर करके 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये देखें, ये हमने ढक्कन खोल के देखा है, तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे, बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है ये हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसे कूल डाउन करके डिश आउट करेंगे। यम्मीलिशियस सा केक तैयार है, आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। डेलिशियासो। देखिए कितना सॉफ्ट है। एकदम परफेक्ट। आप इसे दूध के साथ, चाय के साथ सर्व करें, यकीनन बच्चे और आप क्वारंटाइन डेज एंजॉय करेंगे। जितना ये दिखने में यम्मीलिशियस है, इतना ही खाने में मजेदार। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी ससुराली किचन।